हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। शादीशुदा औरत आपको खुद से पटाएगी, सिर्फ आपको ना तीन काम ना करते रहना पड़ेगा। अगर आप तीन काम करते रहोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा चांस होता है वो औरत वो लड़की ना आपको खुद से पटाएगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना तो यकीन मानिए शादीशुदा औरत ना आपको खुद से पटाएगी। सिर्फ आपको ना दिए गए टिप्स को ना सही से यूज़ करना पड़ेगा, सही से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप दिए गए टिप्स को सही से यूज़ करते हो, सही से फॉलो करते हो ना, तो वो औरत ना आपको खुद से पटाएगी, वो औरत ना आपको खुद से प्रपोज करेगी। तो आज जो है ना हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, शादीशुदा औरत आपको खुद से पटाएगी, सिर्फ आपको ना तीन काम करते रहना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में। सबसे पहले औरत के साथ ना दोस्ती करो। अगर आप किसी भी औरत को सीधे ही प्रपोज करोगे ना तो वो औरत ना मना कर देगी। तो आपको ना उनके साथ सबसे पहले ना दोस्ती करनी चाहिए और औरत के साथ आपको ना नॉर्मली बात करते रहना है। आपको ना कुछ दिनों तक औरत के साथ हंसी मजाक करते रहना है। अगर आप किसी भी शादीशुदा औरत से अच्छी तरह से दोस्ती कर लेते हैं ना तो वह आपके साथ ना 100% रिलेशनशिप में ना आ जाएगी। आप जिस इंसान के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उस इंसान से ना हमें लगाव या फिर प्यार होने लगता है। अगर आप किसी भी औरत को पटाना चाहते हो ना तो उसके साथ ज़्यादा बातें करो, ताकि उस औरत को आपकी लत लग जाए, उस औरत को आपकी आदत लग जाए, वो औरत आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगे। आपने तो एक कहावत सुनी होगी, एक लड़का एक लड़की ना ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह सकते, दोनों में किसी एक को ना प्यार हो ही जाता है और उसे ना प्रपोज कर देते हैं। अगर हम किसी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं ना, ज़्यादा वक्त बिताते हैं ना, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो उसके साथ ना हमें प्यार होने लगता है। इसलिए आपको औरत के साथ ना दोस्ती करनी चाहिए। अगर आप औरत के साथ ज़्यादा दोस्ती करोगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, अच्छी अच्छी बातें करोगे ना, तो वो औरत ना आपको खुद से पटाएगी, वो औरत ना आपको खुद से ऑफर करेगी। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में, औरत हमेशा मिस करे। जब आप औरत के साथ रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो आप उस औरत को ना खुश कर दो, उसके साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करो और उसके साथ ना हंसी मजाक करते रहो, ताकि वो औरत आपके बारे में ना सोचने लगे, आपको मिस करने लगे। वो घर जाकर ना सिर्फ आपके बारे में ही सोचे, आपको ही मिस करे, आपके बिना उसको मन ही नहीं लगेगा। अगर आप औरत को खुश करने में सफल हो जाते हो ना, तो वो औरत ना आपको खुद से प्रपोज करेगी, खुद से पटाएगी। सिर्फ आपको ना उस औरत को ना खुश करते रहना पड़ेगा, उस औरत से ना अच्छी अच्छी बातें करते रहना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में, औरत का भरोसा जीतो। हर औरत रिलेशनशिप बनाने से पहले ना ये बातें जरूर सोचती है, फिजिकल होने के बाद तो छोड़ नहीं देगा, हमारे रिलेशन के बारे में किसी को तो बता नहीं देगा, ये सब बातें ना औरत ज़्यादा सोचती है रिलेशनशिप में आने से पहले। औरत ये सब बातों का ना खास ध्यान रखती है, इसलिए औरत को जब तक आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी और आपको अपनी दिल की बात ना कभी भी नहीं बताएगी। इसलिए आपको उस औरत को ना भरोसा दिलाना पड़ेगा। आप उसको कैसे भरोसा दिलाओगे? जैसे अगर वो औरत कोई प्रॉब्लम में है तो उसका ना हमेशा सपोर्ट करो, आप उसे ये एहसास दिलाओ आप हमेशा उसके साथ रहोगे, आप हमेशा उसका साथ दोगे। और औरत को जैसा अच्छा लगता है ना, आपको वैसा करना पड़ेगा। औरत उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है जिसका सोचना उसके जैसा हो, इसलिए औरत जैसा चाहती है आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो औरत का भरोसा ना बहुत ही आसानी से ना जीत सकते हो। तो सबसे पहले आपको ना औरत का भरोसा जीतना पड़ेगा। अगर आप औरत का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हो, सफल हो जाते हो ना, तो वो औरत ना आपको अपनी दिल की बातें ना बता देगी। तो आपको ना भाई ऐसा ही करना पड़ेगा। तो भाई ये थी तीन टिप्स। अगर आप चाहते हो औरत आपको खुद से प्रपोज करे ना, तो आपको ना इन तीन टिप्स को ना सही से यूज़ करना पड़ेगा, सही से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन तीन टिप्स को सही से यूज़ करते हो, सही से फॉलो करते रहोगे ना, तो वो औरत ना आपको खुद से पटाएगी, खुद से ऑफर करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।